अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए झटपट सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आ गई हूँ, जो कि थोड़ी ग्रेवी वाली है। बिल्कुल सूखा सूखा जो चिकन कढ़ाई बनाते हैं वैसी नहीं है, थोड़ी सी जूसी ग्रेवी टाइप की है। तो घर में जो भी कुछ आपके थोड़े से मसाले वसाले से ये अच्छी सी होममेड जो है वो चिकन कढ़ाई आप लोग बना सकते हैं। जैसे कि मैंने डाला ऑयल और अदरक लहसुन का पेस्ट उसको ब्राउन करने के लिए, थोड़ा सा मैंने एक दो दाने गरम मसाले के भी डाल दिए थे ताकि चिकन की स्मेल ना आए जब भूनूँ। तो फिर उसके बाद मैंने चिकन ऐड किया, चिकन को अच्छे से भूना 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 भूना। फिर जो है वो चिकन के बाद मैंने स्पाइसेस ऐड किए, जो कि वो आगे चल के आपको वीडियो में आप पता चल जाएंगे कि मैंने क्या क्या ऐड किया है। बहुत ही कम और चीज़ों से बहुत क्विक जो है ये कढ़ाई बनाई है, कोयला कढ़ाई। आखिर में जो है इसका जो टेस्ट निकला था ना, बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार था, क्योंकि इसमें स्पाइसेस भी बहुत कम यूज़ किए थे मैंने और जो है वो फटाफट से ये बन गई थी। तो सोचा आप लोगों को भी ये रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ। तो ये आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप लोगों ने घर में ट्राई की और आपको अच्छी लगी तो इसको मुझे कमेंट में लिखकर भेजिएगा, तो फिर मैं भी आप लोगों को झटपट वाली रेसिपीज़ और भी बताऊँगी। तो ये चिकन जो है वो अच्छे से मैंने इसको भून के रखा। इसके बाद फिर मैं अब स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। ये आ गई जी चिली फ्लेक्स, जो कि कढ़ाई की मेन इंग्रेडिएंट्स होता है। इसके बाद फिर थोड़ी सी हल्दी, इन दोनों को मैंने डाला, और जो सॉल्ट जो है वो जायके के हिसाब से, मिर्चें भी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और आधा चम्मच हल्दी डाल दी। इसके बाद फिर और इसको मसाले में भून के अच्छे से जो उसके अंदर मसाले ऐड हो जाए, देन फिर आप लोगों को जितने भी टमाटर डालने हैं, 3, 4, 5, तो मैंने तो अच्छे खासे आधा किलो जो है टमाटर डाल दिए थे ताकि ग्रेवी अच्छे से बने, क्योंकि हमारे घर में जो है वो चिकन से ज़्यादा ग्रेवी यूज़ होती है। चिकन को इतना जल्दी पसंद नहीं करता ना मीट ना कुछ, तो फिर इस तरह से खाना बनाना पड़ता है कि उसकी ग्रेवी हो तो वो ग्रेवी यूज़ में आ जाती है, और जो है वो सब मज़े से खा लेते हैं खाना। तो लास्ट में ये हमारी कढ़ाई हो गई है ऑलमोस्ट डन। इसके बाद ये देखें, इसका इतना इतना स्मोक था कि मेरा कैमरा ही ब्लर हो गया, फिर भी मैंने आप लोगों को दिखाया, कुछ भी स्किप नहीं किया है। ये देखें, अच्छे से ये भून चुकी है मेरी चिकन कढ़ाई, और लास्ट में इसको जो दिया जाएगा वो होगा कोयले का दम। तो कोयला मैंने 7 वाले चूल्हे पर रख दिया है, वो अच्छे से पक रहा है। वो जब जल जाएगा सही से तो फिर उसको मैं एक कटोरी में डाल के और उसको दम दूंगी। दम देने के बाद मैं उसको 10 मिनट तक बंद रखूंगी, और बंद रखने के बाद जो हम उसको खोलेंगे तो आहा, वेरी यमी और डिलिशियस चिकन कढ़ाई, कोयला चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हुई थी, जो कि सबको बहुत पसंद आई थी। तो उसके रिव्यूज़ मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी, नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी तो आप लोगों को रिव्यूज़ दूंगी। ऐसे छोटे मोटे जो है वो मैं डिज़ास्टर करती रहती हूँ, कभी कभी अच्छी बन जाती है, कभी कभी बिगड़ जाती है रेसिपी। सो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जो है दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।